दुर्ग शहर में बीती रात एक चार पहिया वाहन से एक युवक को लटके हुए वीडियो के वायरल होने के बाद दुर्ग पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को पकड़कर पूछताछ जारी की है। स्क्रीन पर जो आप ये सीन देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का स्टंट सीन नहीं है, बल्कि दुर्ग शहर बीती रात पटेल चौक पर फिल्मी स्टाइल से नदी रोड स्थित अमर हाइट सोसाइटी तक चार पहिया वाहन ने एक युवक को लटका कर काफी परेशान किया। आपको फिर बताना चाहेंगे कि ये किसी फिल्म का शूट नहीं था, बल्कि उस कार चालकों ने उस युवक का हाथ गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था और करीब 2 किलोमीटर तक वैसे ही गाड़ी दौड़ाते रहे। करो क्या मत कर भाई, पहले इसको रोक रहा हूँ, गंदा माल आने वाला है वो। भैया अबे देखे, गौरतलब है कि कल रात रायपुर की तरफ से आ रही स्विफ्ट कार से एक बाइक सवार की टक्कर हो गई। घटना करीब रात 10:30 बजे की बताई गई है। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बनाए गए वीडियो से पता चला कि स्विफ्ट सवार रायपुर पासिंग नंबर की थी। उसने पटेल चौक में एक बाइक सवार लड़के को पहले टक्कर मारी। जब लड़का उन लोगों के पास बात करने पहुंच गया तो उसके हाथ को कांच के अंदर फंसाकर उसको लटकाकर 2-3 किलोमीटर तक यूं ही घसीटते रहे और साथ ही उसको दीवार से रगड़कर मार गिराने की कोशिश भी करते रहे। इसके बाद गाड़ी को दुर्ग अमर हाइट सोसाइटी नदी रोड में घुसाकर वहां से फरार हो गए। कार से उतरकर एक व्यक्ति फरार हो गया और एक व्यक्ति आसपास के लोगों की मदद से पकड़ा गया। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। युवक गयानगर दुर्ग निवासी बताया गया है और आरोपी दोनों व्यक्ति रायपुर के बताए गए हैं, जो नशे की हालत में थे और इस घटना को अंजाम मनमाने तरीके से दे रहे थे। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी ने जानकारी दी। कल एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा एक लड़के को कार में लटका के ले जाया जा रहा है। उसका वीडियो भी हमको प्राप्त हुआ था, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे थाना प्रभारी और उसकी टीम ने लड़के को पकड़ लिया है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कार चालक मौके पे गाड़ी छोड़ के फरार हो चुका है, उसकी पता तलाश की जा रही है। शुरू में उस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में जो लड़के थे वो उससे पूछने गए, उसको बात करने गए। जैसे ही बात करने गए, उस लड़के ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया और उसको कार को दौड़ाने लग गया, जिससे वो लड़का उसी में लटक गया था, नाली में गिर गया और नाली में ही उसकी मृत्यु हो गई। महिला ठाकुर है और वो साहू है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।